नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं। यदि आप लोग भी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंडिया का सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज है परीक्षा द सक्सेस ऐप एप्लीकेशन का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, या फिर आप इसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग स्टाइलस 50 का कोड लगाएंगे, आप लोगों को 50% का छूट मिल जाएगा। जो टेस्ट सीरीज आपको 349 में मिल रहा है वो आपको मात्र 175 में मिल जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए आज ही इस टेस्ट सीरीज को खरीदे और स्टाइलस 50 का कोड लगाए। अगर आप पहले से भी कोई टेस्ट सीरीज खरीदे हुए हैं तो फिर भी इस टेस्ट सीरीज को खरीदिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में जो आप लोगों का इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफिकल्टी लेवल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कमेटी का रिपोर्ट आप लोगों को 4 मार्च को आने वाला था, लेकिन 4 मार्च से लेकर के अब तक कोई भी ऑफिशियल आपको रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन आपको जो इसका अपडेट है वो समाचार पत्र और न्यूज़ के जरिए हम लोग को बराबर मिलता रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्यों आखिर 4 मार्च को जो रिपोर्ट आने वाला था वो क्यों नहीं आया? आप लोगों का रिवाइज रिजल्ट कब तक आएगा? यदि आएगा तो NTPC CVT 2 का एग्ज़ाम कब तक होगा और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होगा? इन तमाम बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, 4 मार्च को जो कमेटी का रिपोर्ट आने वाला था उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को अपना अपना इशू वहाँ पर में रेज कर दिए। किसी का कुछ डिमांड था, किसी का कुछ डिमांड था, तो उतने सारे मांगों को एक एक करके देखना इसमें आपको समय लगता है। इसी कारण से 4 मार्च को जो रिपोर्ट आने वाला था वो अभी तक आप लोगों को नहीं आया है। सरकार हर एक मांग को अच्छे से देख रही है और कोशिश कर रही है कि उस प्रत्येक मांग को अगर संभव है तो पूरा किया जा सके। जैसा कि आप लोग को अपडेट में मालूम चल ही गया होगा कि आप लोगों को NTPC का जो रिवाइज रिजल्ट है वो 100% रिवाइज रिजल्ट हो रहा है, और 20 गुना आप लोगों को यूनिक कैंडिडेट को आपको CVT 1 में क्वालिफाई कराएगा। ये आप लोगों को कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद जो ग्रुप डी में CVT 2 का मुद्दा था वो भी कंफर्म हो चुका है कि ग्रुप डी से CVT 2 को हटा दिया गया है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड का नियम था उसको भी हटा दिया गया है। जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बुलाने का रेशियो था उसको भी पुराना वाला कर दिया गया है। आप कह सकते हैं कि जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड का बढ़ाना हो या फिर रेशियो चेंज करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाना हो, CVT 2 को जोड़ना हो, उसके साथ NTPC में जो आपको रिजल्ट में बहुत ज़्यादा ही आपको स्कैम देखने को मिला था, ये हर चीज़ को सुधार करके आपको एक फ्रेश कमेटी रिपोर्ट आपको 1 या 2 दिन में 100% मिल जाएगा। उसके साथ कुछ और भी मुद्दा था, जैसे कि आप लोगों को EWS सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट, जो भी ये सर्टिफिकेट का इशू है इसको भी आप लोगों को दूर कर लिया गया है और जल्द इसके ऊपर में एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अब आप लोग का मेन क्वेश्चन उठता है कि आप लोग का एग्ज़ाम कब तक होगा? तो देखिए दोस्तों, NTPC CVT 2 का एग्ज़ाम 100% आप लोगों को मार्च में ही होगा और ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप लोगों को अप्रैल में ही होगा। तो जो लोग ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हैं तो अब उन लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पीरियोडिक टेबल से आपको 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो अगर उनको पीरियोडिक टेबल ख़रीदना है तो मात्र 5 रुपया में, 5 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, चिप्स कुरकुरे के दाम में आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जा कर के आप लोग कोई भी पेमेंट मेथड हो, चाहे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड हो, या कोई भी पेमेंट मेथड हो, गूगल पे, पेफोन, सभी से पे करके 5 रुपया में पीरियोडिक टेबल खरीद सकते हैं। तो आप लोगों का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है अप्रैल में, NTPC CVT 2 का एग्ज़ाम मार्च में, रिवाइज रिजल्ट मार्च में आप लोग का आएगा। उसके बाद जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा आपको कम जाने वाला है, क्योंकि पहले 11 गुना स्टूडेंट ही यूनिक था, अब 20 गुना स्टूडेंट यूनिक होगा। तो लगभग आप कह सकते हैं कि गुना स्टूडेंट आएगा, तो कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जाने वाला है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यदि अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो